हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ। तो आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए ये आज का वीडियो ऊपर धूप में बैठे हुए हैं, मटर छील रहे हैं। अचार की मैंने तैयारी कर ली है, आज अचार डालेंगे। तो देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या क्या जाएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो, मैं भी मटर छिलवा रही हूँ। अहो भाग्य हमारे जो श्रेया मटर छिलवा रही है, बहुत बढ़िया बात है कि श्रेया काम कर रही है। मैं रोज करती हूँ, क्लास की वजह से नहीं हो पाता। कुछ बोलो श्रेया। क्या बोलूँ, अंदर बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। अपना इंट्रोडक्शन दो, जैसे किसी को पता ही नहीं पता, आप खुद से दोगी। मैं द रविता की द रविता की मैं रविता मम्मी की बेटी हाँ तो आप क्या कर रही हो? नहीं, मैं मेरे पापा, मैं 9th में हूँ। मैं ना मेरे पापा के मम्मी, मेरे पापा की पत्नी की बेटी हूँ। हाँ तो और एक्सपेंड करूँ? हाँ, मैं मेरे भाई के पापा की पत्नी की बेटी हूँ। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में हैं? 9th में। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी एग्ज़ाम्स हुए प्री बोर्ड। अच्छा, तो आप पढ़ लेते हो? हाँ, ट्यूशन भी नहीं जाती। काम दाम कैसे करते हो, करवा देते हो कभी कभी मम्मी से? कभी कभी मेहरबानी कर देते हो अपनी मम्मी पे कभी कभी? तो एक और नमूना आ रहा है हमारे सामने। हाय, मैं हूँ सुहाना। ये मैं क्यों बार बार इसे उठा रही हूँ? ये कौन है? सुहाना गढ़वान। ये कौन सी क्लास में है? 5th। तो आप पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हो, पूरा दिन घूमते रहते हो? भी पसंद है, पढ़ाई भी करती, घूमती भी हूँ। अच्छा, और किस टाइम पढ़ते हो? पहले तो अभी टाइम टेबल में आता सुबह को पढ़ने का, पर सुबह को मैथ्स का वो होमवर्क करती हूँ स्कूल का जो मिला है हॉलीडे, और वरना फिर मैं दिन को पढ़ लेती जब मम्मी पढ़ाती हैं। वैसे बहुत अच्छे बच्चे हैं ये हमारे ना, बहुत काम करते हैं। देखो अभी मटर भी छिलवा रही है सुहाना, काम करती है बहुत सुहाना। सुहाना को अब मैं पूरा ट्रेन करने वाली हूँ हर काम में और हर ब्लॉग में फिर मैं आऊँ। हाँ, वैसे सुहाना सबको पसंद आती है मेरी वीडियोस में ना। सुहाना, एक ने लिखा था सुहाना इज टू फनी, क्राउन रिकॉर्ड था ना। हाँ, तो ये है, देख क्लोजअप में देख लीजिएगा सुहाना की शक्ल, बहुत प्यारी सी है। अभी एक और नमूना आने वाला है हमारा, ये देखो। इनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। से हेलो। हाय, इंट्रोडक्शन कराओ अपना, इंट्रोडक्शन कराओ अपना। हाय, व्हाट इज योर नेम? संभव अग्रवाल। पूरा डिटेल में बताओ अपने बारे में, बताओ बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से, वीडियो लंबी होती जा रही है। अच्छा, आपको नहीं पता, आपको आपको क्या क्या पसंद है, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं सेकंड डी में हूँ, रोल नंबर मेरा 18 है। हाँ, मेरा स्कूल राजा राम मोहन राय अकेडमी है। हाँ, वेरी गुड। ये पूरा दिन टफी को खिलाता रहता है ना? पूरा दिन टफी को खिलाते हो ना आप? हाँ, टफी का पूरा काम यही करता है हमारा चिकू। इसका पेट नेम, पेट नेम बोल दो तुम्हारा। चिकू, ये हमारी आंटी जी। ये देखो हमारी आंटी जी हैं, पूरा दिन बहुत काम करती हैं भाई हमारी आंटी। बहुत अच्छी आंटी है हमारी, बहुत प्यारी सी। टफी कह रहा है सबका इंट्रोडक्शन करा रही हो आप, मेरा नहीं करा रही हो। तो ये टफी है, अभी इसको हमने अंदर बंद किया हुआ है क्योंकि ये शैतानी करता है बहुत ज़्यादा। आपको भी बोलना था कुछ, बोलो बोलो।
चलो आप निन्नू कर लो अपनी, ये देखो टफी, हेलो बोलो, हेलो टफी, हाय बोलो, ये है टफी। चलो टफी आओ, ये देखो ये देखो। चलो खोल देते हैं टफी को, है ना, ये लो, क्या चाहिए टफी। तो ये आज हम बनाने जा रहे हैं मूली गाजर मटर गोभी का मिक्स अचार, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो ये मैंने मूली धोकर काट कर छील कर खूब अच्छे से सुखा ली है, मतलब पानी इनका सुखा लिया मैंने। ये मटर हैं, तो ये मसाले मैंने तैयार किए हुए हैं, ये यहाँ पर है राई और मेथी पिसी हुई, ये मिर्च हैं, मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ उसमें, हरी मिर्च का अलग से अचार बनाऊँगी ये, और ये सौंफ धनिया पिसा हुआ, और ये गरम मसाला, और ये नमक। अभी मैंने तेल इसमें गरम होने के लिए रख दिया है, तो सबसे पहले बस अब मैंने तेल को गरम कर लिया है, गैस बंद कर दी है। तो ये देखिए तेल गरम करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी ये सारे मसाले, इसमें से आधी डालेंगे ये, और अब डाल देंगे हम अपनी मूली, मूली थोड़ी और है, ये देखिए डाल दी है मैंने इसमें मूली, और ये डाल दिए मटर। अब इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। एक तरफ मैंने तेल गरम कर दिया है, ये देखिए ये तेल गरम करके ठंडा होने के लिए रख दिया है, ठंडा हो गया है लगभग ये, तो अब इसको अच्छे से मिला देंगे। देखो लग रहा है कम है राई, तो ये पूरी राई मैं इसमें डाल देती हूँ, ये पूरा एक छोटा पैकेट आता है राई का, हो सकता है उसमें 50 ग्राम हो, तो ये वो था। और अब इसमें डालेंगे हम नमक, ये देखिए नमक, अचार में थोड़ा नमक तेज ही अच्छा लगता है, तो ये नमक डाल दिया, और ये डालेंगे हम इसमें मिर्च, और थोड़ा सा और धनिया। अब इनको अच्छे से हम चलाएंगे, गरम हो रही है अच्छे से कढ़ाई, ये देखिए तेल ना, जो तेल रखा था मैंने, ये पूरा इसमें हम डाल देंगे, ये पूरा 1.5 कप के लगभग तेल था, और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये हो गया आज हमारा मिक्स अचार, ये आज हम इसको ठंडा करके डब्बे में भर के रख देंगे, और फिर हम 2 दिन इसको 2 या 3 दिन धूप दिखाएंगे, फिर ये तैयार हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, ये लगभग 1 किलो मूली हैं, 1 किलो गाजर हैं, और 1/2 किलो मटर हैं, और 1/2 किलो हमारी गोभी है, ये सब हमने इस तरीके से, तो ये देखिए
इसको अब हम डब्बे में भर के रख देंगे और 3 दिन की हम इसको धूप दिखाएंगे और 3 दिन धूप दिखाने के बाद फिर ये तैयार हो जाएगा, फिर आपका ये खाने लायक हो जाएगा। तो चलिए, ये थी मेरी अचार की वीडियो, मिक्स अचार। देखिए अब मैंने इसमें गैस चला दी है थोड़ी देर के लिए, मेरे याद नहीं था कि मटर है इसमें कच्चे, तो इसलिए अब थोड़ा सा इसको मैं थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए गैस चला करके इसको ऐसे घुमा दूँगी। 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगा फिर हमारा। तो अभी मैंने इसमें फुल पे गैस चलाई हुई है, फुल करके, और इसको इस तरीके से, थोड़ा मटर कच्ची अच्छी नहीं लगती है इसलिए थोड़ा सा इसको पकाना पड़ेगा। अब इसमें धूप लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, धूप हमें तब ज़रूरत थी जब हम इसको अगर ठंडा ही ऐसे ही डाल देते। अभी गैस चला दिया है इसके नीचे, तो अब हमें धूप में रखने की अचार को ज़रूरत नहीं है। अब ये ऐसे ही हमारा बन जाएगा, ये देखिएगा